सज्जन साहू कार्यक्रम के संयोजक। सर आज क्या कार्यक्रम किया गया और कहाँ किया? आज देखिए बड़ी खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है कि भगवान जगन्नाथ का रथ जगन्नाथपुरी से चलकर मध्य प्रदेश होते हुए अपने झांसी में प्रवेश किया। रसाला चुंगी से हम लोगों ने भगवान का रथ का स्वागत किया और स्वागत करते हुए फिर बड़ा गांव के साहू समाज मंदिर पर लेकर आए। साहू समाज मंदिर से कलश यात्रा के साथ भव्य यात्रा के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया और एक जन जागरण चेतना दी गई समाज के लिए इस रथ के माध्यम से कि सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्य में एकत्रित होकर हर कार्य को सफल बनाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सामाजिक काम अगर होते रहते हैं तो आदमियों में और सभी में जिद रहती है कि हमारा समाज एक जागृत समाज है और समाज के प्रति ऐसी हमारी भावना और ऐसी सोच। यात्रा जो है वो जन जन में किस तरह का संदेश पहुंचा रही है और किस तरह से सामाजिक कार्यों में आगे निकल कर आ रही है इसके बारे में? इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि साहू समाज के लोगों तहसील स्तर पर, नगर स्तर पर, कस्बे स्तर पर हम लोग जन जन जागरण की रथ यात्रा करके पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ की चाबी अगर राजनीतिक में अगर उसमें जाएं तो राजनीतिक चाबी है कि हम लोगों को एक होना और उसकी एक हम लोग धारा चला रहे हैं पूरे देश में कि साहू समाज संगठित होकर अपना राजनीतिक संगठन और राजनीति में मजबूत होने में आगे बढ़ें। एकता की लहर हम लोग दौड़ा रहे हैं। जो रथ चला रहे हैं, रथ समाज में लेके चल रहे हैं, संचालक हैं और मध्य प्रदेश के साहू समाज के अध्यक्ष हैं तो वो हमारे बीच में रथ लेकर आए हैं माननीय रविकरण साहू जी। उनका झांसी में उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी कितने दिन ये रथ यहाँ झांसी में रुकेगा? ये झांसी में एक दिन रुकेगी, इसके बाद कल चिरगांव से भांडेर, भांडेर दतिया, दतिया से खनियादाना, पिछोर, ग्वालियर होते हुए मुरैना, पूरे अभी मध्य प्रदेश का इनका भ्रमण है। अभी मध्य प्रदेश में इनको जाना पूरे मध्य प्रदेश। लगभग कितने समय की यात्रा का निर्धारण किया? मार्च तक चलेगी। ये मार्च तक चलना है। अभी 19 मार्च को भोपाल में एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश से स्वजाति बंधु उसमें आमंत्रित किए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, आगे जो रथ हमारी रथ यात्रा जारी है आगे चलती रहेगी। अभी स्वागत कर उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन किया। अब मैं हरभजन साहू जी से निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम महामंत्री महंती नेता है उनसे निवेदन करूंगा कि सांसद जी के माल्यार्पण का स्वागत करें। अरुण साहू जी अनिल साहू चाहे द्वारा से निवेदन करूंगा सांसद जी का माल्यार्पण करें। विजय साहू जी से निवेदन करूंगा सांसद जी का माल्यार्पण कर
माँ करवाबाई का उनका जीवन चरित्र हम लोगों ने पूरा
कण अपने मन मस्तक में स्मरण करके उनकी हम लोग आराम देवी है। हमारी अपनी ऊपर कृपा है कि हम लोगों का समाज फूल फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मैं समाज के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ हम पूरे 17 अप्रैल से दिन भर में कम से कम 5 से 6 मंची आयोजन करते हैं और पूरा आदमी कोने तक हम घूम के आए। सिंगरौली है, बैतूल है, हर जगह करमा माता की गूंज है और आपके इस जहां माँ करमा का इतिहास है तो हम वहां पे जोरदार जयकारे के साथ माँ करमा के जय लगाइए दोनों हाथ उठा करके, ताकि पूरे देश में ये आपकी आवाज जाए कि हमारी करमा माता जो है, जो झांसी में उनका जन्म हुआ, हम उनकी जन्मस्थली में आज हम आए हुए हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे इस दिन का, इस क्षण का मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा, जब से 8 दिन से पहले हमारा यात्रा रूट चार्ट बना। तो आप सभी से मातृशक्ति, और यहाँ पे मातृशक्ति ने दिखा दिया कि यहाँ पे क्यों का माता करमा का जन्म यहाँ पे हुआ। मातृशक्ति आप जैसे थी वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई का जन्म यहाँ हुआ, ऐसी धन्य मातृभूमि में आप सभी ने जन्म लिया। आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजा कर बोले करमा माता की जय, बोले करमा माता की जय, बोले नर्मदा मैया की जय। हम मध्य प्रदेश से हैं, जबलपुर से हैं, और आपने मेरे हाथ में पूरी यात्रा में जो कलश देखते हैं वो कलश माता करमा का जो कलश है और माता नर्मदा का, तो नर्मदा माई को हम ले करके चल रहे हैं। इतनी कठिन तपस्या है, तस्दीक करना है। मैं कार्यक्रम के संयोजक राहुल से निवेदन करूंगा, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री कैलाश राहुल, मनोज साहू कपड़े वाले आयो, सांसद जी का स्वागत करें।